फ्रेज डिवेलपमेंट डियर स्टूडेंट्स मैं इस मॉड्यूल में आपसे फ्रेज डिवेलपमेंट के बारे में बात करूँगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वाट इज फ्रेज फ्रेज आ ग्रुप ऑफ टू आर मोर वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस आर क्लास सो इन ग्रामर फ्रेज कार्ड एक्सप्रेशन इन सम कॉन्टेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सिंगर वर्ड एक्टिंग एज अ ग्रामेटिकल यूनिट तो यानी फ्रेज़ को जब हम डिवेल्प करते हैं और उसके लिए भी हम खास प्रिंसिपल्स या ख़ास रूल्स जो ग्रामर के यूज़ करते हैं और क्या है कि ये डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो सिंगल तौर पे या डिफरेंट वर्ड्स मिलकर तो एक सेंटेंस या एक यूनिट के तौर पर यूज़ होते हैं जिनको हम फॉर इंस्टेंस द इंग्लिश एक्सप्रेशन द वेरी हैप्पी स्क्वेरल इज अ नाउन फ्रेज विच कंटेन्स द एडजेक्टिव फ्रेज वेरी हैप्पी यानी जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो वेरी हैप्पी वो उस और जो फ्रेज कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड आर अ कम्प्लीट सेंटेंस यानी एक फ्रेज एक वर्ड भी हो सकता है और एक सेंटेंस भी हो सकता है तो वर्ब्स जो फ्रेजेस हैं वो डिफरेंट होती हैं नाउन फ्रेज है वर्ब फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज है एडवर्ब फ्रेज है प्रपोजिशनल फ्रेज़ uh, है यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होते हुए ये उसकी डिफरेंट उसकी शेप्स या डिफरेंट उसकी वो बनेगी तो फ्रेज़ डेवलपमेंट करते हुए हमें इन चीज़ों को uh, मद्देनज़र रखना पड़ेगा सो फ्रेज़ डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड रिफाइनिंग अ ग्रुप ऑफ ग्रुप रिलेटेड वर्ड्स दैट फॉर्म अ मीनिंगफुल यूनिट इन अ सेंटेंस यानी देखें uh, मैं पहले भी बता चुका कि हम सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये तरतीब है सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हाँ इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यूज़ होते हैं उनको सही सेंस कन्वे करने के लिए या फ़िक्रों को या दो फिक्रों को मिलाने के लिए तो मतलब ये है कि ये हम साथ ग्रामर की ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इस तरतीब में उन फ़िक्रों को कंबाइन करके बनाएंगे और ये स्पेसिफिक फंक्शन अदा करते हैं सो फ्रेजेस कैन इंक्लूड वराइटी ऑफ वर्ड्स नाउन वर्ब्स एडजेक्टिव एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशन एंड कैन बी यूज टू मॉडिफाई कॉम्प्लीमेंट आर कंप्लीट अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी ये कॉम्प्लीमेंट uh, करते हैं कंप्लीट करते हैं एड करते हैं यानी उनके मीनिंग्स में और इस तरह उनकी कंसेंस में जो इसको डिफरेंट फ्रेजेस जो हैं और उनको मिलाकर हम यूज़ करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेज इसमें इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो कन्वे करते हैं डिज़ायर्ड मीनिंग्स और उनको एक लॉजिकल ऑर्डर के साथ इनको अरेंज किया जाता है और फिर उस ग्रामर के लिहाज से इंश्योर किया जाता है कि वो अपना सही मीनिंग्स या सही सेंस कन्वे करें और लार्जर uh, कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस के सेंटेंस को बनाते हुए आ, अगर हम ये देखें कि देखें जैसे फोनीटिक्स uh, है ये क्या है स्पीच साउंड्स हैं फोनोलॉजी ये क्या है वर्ड्स हैं और मारफोलॉजी uh, ये क्या फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस फिर सेंटेक्स uh, क्या है लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस और uh, फिर सीमेंटिक्स और इसके बाद प्रेगमेटिक्स है जो मीनिंग इन कॉन्टेक्स ऑफ डिसकोर्स यानी ये एक लैंग्वेज एंड यूज प्रेगमेटिक्स आपको सिचुएशन uh, भी बताती है कॉन्टेक्स भी बताती है लैंग्वेज का तो इफेक्टिव फ्रेज डेवलपमेंट क्या है ये इम्पॉटेंट है फॉर क्लियर एंड कोहरेंट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिहाज से तभी वो अगर वह सही तौर पर जो लैंग्वेज स्पीकर है वो सही यूज़ करेगा अपनी ग्रामर का और सही सेंटेंसेस की फ्रेजेस को कंबाइन करेगा तो तब जाके वो अपना इंटेंडेड मैसेज वो कम्युनिकेट कर सकता है वो बता सकता है तो फ्रेज डेवलपमेंट में कुछ हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं सो so, जैसे वंस इन अ ब्लू मून पीस ऑफ केक बाइट द बुलेट ब्रेक अ लेग सो कैट गॉट योर टंग ठीक है इस तरह यानी ये देखें कि ये डिफरेंट जो फ्रेजेस हैं अब आप देखें नाउन फ्रेज है टाइनी माउस एडजेक्टिव फ्रेज वेरी टॉल यानी ये उसकी सिफ्त बता रही है और प्रिंसिपल फ्रेज सडनली बाई ट्रेजिडी फिर इसी तरह प्रपोजिशनल फेज जो फ्रेज है ये बताती है ऑन द टेबल अंडर द टेबल ठीक है और वर्ब फ्रेज क्या है वर्स uh, रीडिंग ये एक्शन बताती है कोई काम का करना या होना और एड वर्ब फ्रेज ये एड करता है वर्ब्स के मीनिंग में ओनली ओकेजनल और जेरेंट फ्रेज क्या है ईटिंग सेल्फिश क्विकली तो इन्फेनिटिव uh, फ्रेज क्या है टू स्विम इन डेंजरस वाटर तो ये डिफरेंट जो मैंने एग्जांपल्स भी बताई आपको फ्रेजेस की और फ्रेजेस जो डिफरेंट टाइप्स फ्रेजेस हैं उनकी भी मैंने एग्ज़ाम्पल्स बता के आपको uh, ये क्लियर किया कि हम फ्रेज डेवलपमेंट कैसे करते हैं और किस तरह हम इसको मतलब है एक अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं और इसके लिए भी हमें करेक्ट रूल्स का इल्म होना चाहिए ग्रामर का और सेंटेंसेस को जोड़ने का करेक्ट हमें उसका सेंस का पता हो और हम ग्रामर के असूलों को फॉलो करें